देखते रहिए यूबीएन 08 छत्तीसगढ़ कोंडा गांव से ब्यूरो भुवनलाल मार्केंडे की बिग ब्रेकिंग आ रही है। जिला कोंडा गांव थाना प्रभारी के द्वारा सरपंच पंच कोटवार गायता पुजारी का लिया गया बैठक। आज दिनांक 29/6/2023 को थाना परिषद कोंडा गांव में पुलिस अधीक्षक बाय अक्षय कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडा गांव के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडा गांव के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी प्रहलाद यादव कोंडा गांव के द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम सरपंच पंच पटेल गायता सिराहा गुनिया कोटबारों की मीटिंग लेकर आज कल हो रहे ठगी के शिकार से कैसे बचा जा सके, अपराधों की रोकथाम के संबंध में अन्य जानकारियां दी गई। ग्रामों में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं ग्रामों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर तत्काल थाना कोंडा गांव को सूचना देने समझाइश दी गई। घटना हो गई तो तकलीफ है, गांव वालों को समझाना है, बच्चों के पीछे ध्यान रखना है, मोबाइल यदि दिए हैं है ना, तो क्या कर रहे हैं मोबाइल से, ये भी देखना पेरेंट्स का काम है ना, माता पिता को ये भी देखना चाहिए कि बच्चा मोबाइल का क्या उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, गलत चीज तो नहीं देख रहा है, गलत से बात तो नहीं कर रहा है ना, गलत व्यक्ति से बात करते करते वो गलत जगह चले जाते हैं है ना, इन सारी चीज़ों को देखना है। ग्राम प्रमुख लोग मीटिंग जो है हर माह ली जाती है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज थाना कोंडा गांव क्षेत्र के जितने ग्राम प्रमुख हैं कोटवार हैं उन सबकी मीटिंग ली जाती है, सब उसी में उनका मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसमें इनको बताया जाता है कि अपराधों के संबंध में जानकारी दी जाती है, गांव में जो समस्या हो रही है इनसे सुना जाता है, और जो भी वर्तमान के जो मुद्दे होते हैं जैसे अभी जमीन संबंधी विवादों का है ना, और अन्य मुद्दे हैं इनके संबंध में चर्चा की जाती है और उसका निराकरण और इनको जागरूक किया जाता है कि गांव में कोई भी छोटी छोटी घटना घटित हो रही हो उसकी जानकारी तत्काल थाने को बताएं ताकि इस पर कार्रवाई की जाए। देख क्या रहे हैं सर, निरंतर लगते रहता है, मतलब ऐसे गांव में कुछ गतिविधि प्राप्त हुई है? हाँ, हमेशा तो पता चलता रहता है, कोई भी मार्ग की सूचना शुरू हो जाता है या कोई भी सूचना है गाँव में कुछ गुम होने की सूचना है तत्काल इनके द्वारा दी जाती है और